दिमाग दिवालियापन का शिकार हो, जहन में नफरती जहर घुला हो और मन मस्तिष्क पर कुंठा हावी हो जाए, तो यही होता है जो इस मंदिर में हुआ। तस्वीरें पौड़ी के प्रसिद्ध उल्कागढ़ी मंदिर की है, जहां असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। किसी अज्ञात शख्स ने मंदिर की मूर्ति को खंडित कर दिया। जब इतने से भी कलेजे को ठंडक नहीं मिली तो उसने मंदिर को ही आग के हवाले कर दिया। मंदिर की ये खंडित हुई मूर्ति और राख का ढेर बता रहा है कि किसी उन्मादी के नापाक कदम पवित्र मंदिर में पड़े और उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दरअसल उल्कागढ़ी मंदिर घने जंगल के बीच सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर दूर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। घने जंगल में होने की वजह से कम ही भक्त मंदिर पहुंचते हैं। इसी बात का फायदा असामाजिक तत्वों ने उठाया, न सिर्फ मूर्ति खंडित की बल्कि मंदिर में रखा सामान भी जला डाला। मंदिर में हुई इस घटिया और नापाक हरकत को लेकर लोग बेहद नाराज हैं। लोग इसे धार्मिक आस्था पर सीधी चोट मान रहे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन भी मामले को लेकर गंभीर है। मामला संज्ञान में आने के बाद DM डॉक्टर आशीष चौहान ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने SDM और पटवारी से घटना की जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। DM के आदेश के बाद टीम बनाकर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। इसमें जो आप मेरे संज्ञान में मैटर ला रहे हैं, तो कंसर्निंग SDM और पटवारी और उनसे रिपोर्ट्स मांगते हुए, और अगर वो रेवेन्यू एरिया का मैटर होगा तो जो FIR की जानी है उसको इमीडिएटली FIR के लिए भी डायरेक्शंस दिए जाएंगे। पौड़ी में जहां सामाजिक तत्वों ने मंदिर को निशाना बनाया, तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान मंदिर तोड़े जाने को लेकर साधु संत भड़क उठे हैं। यहाँ प्रशासन की तरफ से जलेश्वर महादेव मंदिर के सामने हनुमान मंदिर तोड़े जाने की कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर संत समाज ने सड़कों पर उतरकर भारी विरोध जताया। संतों ने स्थानीय प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, साधु संतों ने मंदिर निर्माण नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी तक दे डाली है। सबको पता है कि भाई वो डेथ पॉइंट है, तो हमने इसको ध्यान में रखते उस मंदिर की स्थापना की गई है। और यहाँ का स्थानीय प्रशासन जिन्होंने बिना किसी को अपने खित्ते में लिए है, बिना किसी को बताए उस मंदिर को तोड़ दिया गया, खंड खंड कर दिया गया। मैं स्थानीय प्रशासन को ये चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बहुत गलत कार्य किया गया है। हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ी गई है, तोड़कर जो है वहाँ पर संगम पे फेंक दिया गया है। और मैं धामी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जितने भी अधिकारी इसमें लिप्त थे, उसको तोड़ने में लिप्त थे, उन सबके ऊपर कार्रवाई हो। कहीं शरारती तत्वों ने मंदिर में आग लगा दी, तो कहीं प्रशासन ने अतिक्रमण बताकर मंदिर को धराशायी कर दिया। दोनों ही मामलों को लेकर संत समाज गुस्से में है। संतों का आरोप है कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि पौड़ी के उल्कागढ़ी मंदिर में हुए उपद्रव को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। DM ने जता दिया है कि मंदिर को आंच पहुंचाने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।